तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी M30s जो कि मुझे पड़ा है सिर्फ 10,000 रुपये से भी कम की कीमत में। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये से भी कम की कीमत में ये फ़ोन मुझे मिल गया है। तो दोस्तों कैसे मुझे ये फ़ोन मिला 10,000 रुपये की कम की कीमत में, और क्या आप भी इस फ़ोन को इस प्राइस पे ख़रीद पाएंगे या नहीं, तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे उसी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये फ़ोन मुझे 10,000 रुपये से भी कम की कीमत में कैसे मिला और क्या आप इसको ख़रीद पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इतना आसान नहीं था ये मुझे इतना सस्ता फ़ोन मिलना, और मुझे इसके साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आई। मैं पहले ही बता दूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई ख़रीदने में मुझे इस फ़ोन को, और वो दिक्कतें क्या थी दोस्तों वो भी मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो दोस्तों आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ आ जाए। दोस्तों एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एक हाइप चली थी कि 1,000 रुपीज़ अमेज़ॉन पे कैशबैक की, कि 1,000 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे कैशबैक मिलेगा आपको इस फ़ोन पे सैमसंग गैलेक्सी M30s पे, और कई लोगों को दोस्तों ये मिला भी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, मुझे अमेज़ॉन पे जो कैशबैक है 1,000 रुपीज़ का वो नहीं मिला था इस फ़ोन पे। तो फिर भी दोस्तों ये फ़ोन मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है, तो कैसे पड़ा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा कि कैसे दोस्तों जो एक एक पेमेंट प्रूफ है मेरा, जो दोस्तों मुझे दिक्कतें आईं, तो उसके भी दोस्तों मैंने ईमेल्स के स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या मुझे वो दिक्कतें थी और क्या क्या मैंने कैसे उनके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की थी और क्या मुझे दोस्तों उनके जवाब मिले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं अब शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो प्रूफ कि मुझे अमेज़ॉन पे कैशबैक नहीं मिला, जो कि 1,000 रुपीज़ का अमेज़ॉन पे कैशबैक था सैमसंग गैलेक्सी M30s पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ओनली फॉर प्राइम मेंबर्स। दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, ओनली फॉर प्राइम मेंबर्स। दोस्तों ये कह रहा है कि जो कैशबैक था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए था, मैं एक प्राइम मेंबर नहीं था, तो दोस्तों मुझे ये 1,000 रुपीज़ का कैशबैक नहीं मिला। तो दोस्तों सबसे पहला प्रूफ तो आपको मिल गया है कि मुझे जो 1,000 रुपीज़ का कैशबैक है वो नहीं मिला। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि मुझे फ़ोन कैसे मिला है 10,000 रुपये से भी कम की कीमत में। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक पेमेंट है दोस्तों 10,800 रुपये की, लगभग 10,800 रुपये इसे आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों पेमेंट जो थी ये मेरी बनी थी, लेकिन इसके ऊपर मुझे ऑफ मिला है, वो है कार्ड का ऑफ। जो मैंने अपना कार्ड यूज़ किया तो वहाँ मुझे 10% ऑफ मिला है, तो वो भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों 1,000 रुपया मेरा और कम हो चुका है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो फाइनल प्राइस जो कि मैंने पे किया है 9,800 रुपये लगभग। देख लीजिए, ये मेरे 9,800 रुपये मैंने अमेज़ॉन को पे किए हैं। दोस्तों अब मुझे बात करते हैं कि यहाँ पे मुझे ये डिस्काउंट कौन कौन से मिल रहे हैं। एक दोस्तों डिस्काउंट है, वो है इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ द कार्ड, जो कि दोस्तों मैंने बैंक का कार्ड यूज़ किया है, वहाँ पर मुझे इंस्टेंट डिस्काउंट मिला है 1,000 रुपीज़ का ऑलमोस्ट। देखिए दोस्तों, 1,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा मुझे यहाँ डिस्काउंट मिल चुका है। दूसरा दोस्तों जो डिस्काउंट मुझे मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट है, वो है दोस्तों एक्सचेंज वैल्यू। दोस्तों एक्सचेंज मिली है मुझे अपने पुराने फ़ोन की, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 3,230 रुपये मुझे अपने पुराने फ़ोन के मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा प्राइस चेंज हो चुका था जब मैंने पेमेंट की, तो मेरी एक्सचेंज वैल्यू थोड़ी सी फ़ोन की कम हो चुकी थी। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, जो कि जो फ़ोन है वो है लगभग 14,000 का, और मुझे मिल रहा है लगभग 9,800 रुपये में ये फ़ोन मुझे मिल रहा है। दोस्तों जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो दोस्तों ये थी कि 1,000 रुपीज़ का अमेज़ॉन कैशबैक भी मुझे मिलेगा और ये फ़ोन लगभग मुझे 9,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे 1,000 रुपया और ज़्यादा लग गया मेरा फ़ोन पे, क्योंकि मुझे अमेज़ॉन पे कैशबैक जो 1,000 का था वो मुझे यहाँ नहीं मिला। ये दोस्तों मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद दोस्तों मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आईं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली जो दोस्तों दिक्कत थी वो आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जो मेरी मंडे अक्टूबर 7, ये दोस्तों वो टाइम था जब मेरा फ़ोन डिलीवर होना था। मैंने दोस्तों ये फ़ोन ख़रीदा था 4 अक्टूबर को, फ्राइडे 4 अक्टूबर, आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लेस्ड ऑन फ्राइडे अक्टूबर 4, 2019। तो और यहाँ नीचे दोस्तों देखिए, मंडे अक्टूबर 7 जो कि डिलीवर होना था मुझे फ़ोन अक्टूबर 7 को, लेकिन दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं 2 डे डिलीवरी एट ₹80 फ्री विद प्राइम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 डे डिलीवरी का ऑप्शन भी मुझे यहाँ मिला हुआ था जो कि फ्री था। ये देखिए दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे डिलीवरी, दोस्तों ये दोस्तों वो डेट है जिस दिन मेरा फ़ोन असली में डिलीवर हुआ था, 13 अक्टूबर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 अक्टूबर को बुक किया, 7 अक्टूबर को उसकी डिलीवरी थी, लेकिन दोस्तों मुझे फ़ोन मिला 13 अक्टूबर को। दोस्तों ये क्यों फ़ोन मुझे 13 अक्टूबर को मिला, इसकी भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ी कहानी है, जो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा
सैमसंग गैलेक्सी M30s रिप्लेसमेंट यूनिट की। दोस्तों वो वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं भी डिस्क्रिप्शन में मिलता है दोस्तों, आप मेरे पेज पे आ सकते हैं, मेरे चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, डिलीवरी काफ़ी लेट हो चुकी है, बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, वो भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो ये दिक्कत दोस्तों आपके सामने ही दोस्तों विद प्रूफ है। अब दोस्तों मैं आपको एक अगली दिक्कत की बात करता हूँ जो मुझे देखने को मिली है। ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों एक ऑफ़र जो कि मुझे मिली थी इस फ़ोन के साथ, वो थी वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफ़र। जी हाँ दोस्तों, 6000 रुपीज़ की दोस्तों ये ऑफ़र थी कि आपको 6000 रुपीज़ की यहाँ पे वन टाइम रिप्लेसमेंट मिलेगी स्क्रीन की, जो कि थी सैमसंग गैलेक्सी M30s की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने बिना किसी रीज़न के मेरी ऑफ़र कैंसिल कर दिया है। वी हैव कैंसल्ड एक्को स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान, ये देख लीजिए दोस्तों, पूरा मेरा कैंसिल कर दीजिए, हैज़ बीन कैंसल। ये आप खुद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो ये प्लान है कैंसिल किया गया है, और जो उसका रीज़न है दोस्तों वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा गया, वी रिग्रेट टू सी यू गो। ओके ठीक है, कोई रीज़न दीजिए दोस्तों क्यों आपने ये मेरी ऑफ़र कैंसिल की है। दोस्तों ये जो ईमेल है ये आया मुझे एक्को की तरफ से। तो दोस्तों इसी वक्त मैंने दोस्तों क्या किया, अमेज़ॉन को कॉल कर दी। मैंने कहा कि मेरी जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफ़र है वो कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों अमेज़ॉन ने मुझे क्या रिप्लाई किया वो भी बहुत ही मज़ेदार है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। उन्होंने कहा दोस्तों, हमने कोई आपको ईमेल किया कि आपकी ऑफ़र कैंसिल हो चुकी है? मैंने कहा नहीं, अमेज़ॉन की तरफ से कोई ईमेल नहीं आया। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि देखिए, ये हमारा कोई यहाँ पर कसूर नहीं है, जे जिस कंपनी ने कैंसिल की है एक्को, आप इन्हीं से बात कीजिए। तो आप ये भी देख लीजिए, क्या दोस्तों आपको लगता है ये एक अच्छा रिप्लाई था अमेज़ॉन की तरफ से? दोस्तों फिर मैंने क्या किया, मैंने उसी वक्त एक्को को कॉल की। जो दोस्तों मैंने एक्को को कॉल की तो उन्होंने दोस्तों मुझे कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा दोस्तों, ये गलती अमेज़ॉन की है, अमेज़ॉन की वजह से ये काफ़ी लोगों को दोस्तों ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि उनकी जो ऑफ़र है वो कैंसिल होती जा रही है। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि ये जो ऑफ़र कैंसिल हो रही है दोस्तों, इसको हम बड़ी जल्दी ठीक कर डालेंगे, ये जो एक बग है इसको हम बड़ी जल्दी ठीक कर चलेंगे और आपकी ऑफ़र आपको वापस मिल जाएगी। दोस्तों लगभग एक महीना अब होने को हो चुका है और मैंने अब उन्हें कुछ ही दिन, एक दो दिन पहले मैंने उन्हें कॉल की और उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको यहाँ सुनाऊँगा, मुझे जो उन्होंने सुनाई है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखते रहें, पूरा देखें। दोस्तों अब मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं दोस्तों, तो वो आप कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर सुने। दोस्तों इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर जो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं जैसे नेम और फ़ोन नंबर, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। दोस्तों जो उसके आगे की रिकॉर्डिंग है, जो कस्टमर एजेंट और मेरी बात हुई है, वो मैं आपको यहां पूरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहें। ये रही दोस्तों वो कॉल रिकॉर्डिंग, ये लीजिए अब आप सुन लीजिए। हाँ मैंने सब कुछ भेज दिया, आप ईमेल चेक कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऐसा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज है, सिर्फ आपका नहीं, ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज है जो कैंसिल हुई है, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था, ठीक है। तो अभी भी इस पे काम चल रहा है और आप निश्चिंत रहिए, आपका अगर इनकेस इसके आपका एक्टिवेट होने के बीच में इस दौरान कुछ भी हो जाता है तो वो कवर होता है। अच्छा अच्छा, तो आप निश्चिंत रहिए, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा आपको उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफाई तो ज़रूर किया जाएगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक दो नहीं, बहुत सारी पॉलिसीज है जो ऐसे कैंसिल हुई है टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो उस पर काम चल रहा है सर। तो जैसे ही एक्टिव हो जाएगा आपको नोटिफाई भी करेंगे, और इस दौरान कुछ अगर आपने कहा कि स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान था आपका, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आपको टच और डिस्प्ले, मतलब आपका फ़ोन का जो टच और डिस्प्ले है, ये दोनों कवर होता है। इसके ये एक्टिवेट होने के बीच में, आज से या जब से आपने लिया है तब से, इसके बीच में कुछ भी होता है तो आप बेझिझक होकर हमको कॉल कीजिएगा, आपको वो भी कवर होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कुछ टाइम बता सकते हैं, इस टाइम में आपको अब ये ऑफर है ये हमारी अपडेट हो जाएगी? वो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे नहीं है सर, क्योंकि ये एक दो नहीं, ऐसे ही तकरीबन 1,00,000 से ज़्यादा पॉलिसीज है जो टेक्निकल इश्यूज से ऐसे कैंसिल हुई है, ठीक है, मगर वो कवर होगी, ठीक है। ये थोड़ा समय लगेगा इसको एक्टिवेट होने में, मगर आप चिंता मत कीजिए, अगर वो एक्टिवेट आपको वहाँ पे कैंसिल दिखा रहा है तो भी आपको एक कवर होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे साथ आप बहुत समय से आप टच में हो और आपने बहुत सारी डिटेल्स जो हमारी ओर से, आपकी ओर से जो हमें चाहिए थी वो आपने सब भेजी है। तो आप निश्चिंत होकर रहिए सर, ये कवर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे कैंसिल हुई है टेक्निकल एरर की वजह से, तो फिक्स होने के प्रोसीजर में है, तो जैसे फिक्स
हो जाएगा, आपको हमारी ओर से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? तो आप चिंता मत कीजिए सर उसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। ठीक है। तो दोस्तों एको ने तो दोस्तों मुझे दिलासा दे दी है, लेकिन दोस्तों मुझे चैन नहीं आने वाला जब तक मुझे एक प्रॉपर लीगल तरीके से अपने अकाउंट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती कि आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आपसे लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों जो इशू मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया वो दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो में बनाया है, आप उस वीडियो को भी दोस्तों ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। लिंक दोस्तों आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, नहीं भी मिले तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो का जो नाम होने वाला है वो होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30s रिप्लेसमेंट यूनिट। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपने भी सैमसंग गैलेक्सी M30s खरीद रखा है तो ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये ऑफ़र मिली है या नहीं मिली है, या आपके साथ भी यही सेम इशू आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में अब सिर्फ इतना ही। हो सकता है कि आपको लगे कि दोस्तों जो मेरा सेटअप है वो काफ़ी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मैं अपना सेटअप इंप्रूव कर दूंगा। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो फ्यूचर की वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।